पंजाब में आपने कांग्रेस से सत्ता छीन ली है, आप 92 सीटों पर आगे चल रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब राज्य इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और बादल सभी चुनाव हार चुके हैं। पंजाब में बड़े नेताओं के पतन से पता चलता है कि मतदाताओं ने उन नेताओं को झिड़क दिया है जो पार्टी के सिर्फ पदों के लिए अहंकार की लड़ाई में उलझे हुए थे और जनता की चिंताओं पर उनका कोई ध्यान नहीं था। चमकौर साहिब सीट पर सीएम चन्नी आपके उम्मीदवार से 5000 वोटों से हार चुके हैं। संयोग से उनका नाम भी चरणजीत सिंह ही है। बहादुर की दूसरी सीट पर भी सीएम चन्नी 27000 वोटों के भारी अंतर से हार रहे हैं। इस बीच सिद्धू भी अमृतसर पूर्व सीट पर आप उम्मीदवार जीवन ज्योत कौर से 6700 वोटों के अंतर से हार चुके हैं। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया का प्रदर्शन तो और भी खराब रहा और उन्हें 11000 से अधिक मतों से हार का सामना करना पड़ा। हार को स्वीकार करते हुए सिद्धू ने ट्वीट किया, लोगों की आवाज भगवान की आवाज है, पंजाब के लोगों के जनादेश को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करें, आपको बधाई। जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह का सवाल है तो वह पटियाला में अजीत पाल सिंह कोहली से हार चुके हैं। बताया जा रहा है कि कैप्टन का भाजपा से हाथ मिलाना उनके वफादार मतदाताओं को रास नहीं आया। इस बीच 5 बार के सीएम प्रकाश सिंह बादल अपनी ही लंबी सीट आपके गुरमीत सिंह खुर्दिया से 11000 वोटों के अंतर से हार चुके हैं। आपने पंजाब में मुफ्त उपहारों की अपनी दिल्ली प्लेबुक का अनुकरण किया और पुरस्कार भी प्राप्त किया। इसने खालिस्तान समर्थकों की नब्ज को सक्रिय रूप से महसूस कर अपनी पकड़ और भी मजबूत की। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों के पीछे खड़े हुए और उनके वोटों को अपने में मिलाया, जबकि राज्य के दिग्गज एक दूसरे के पीछे चले गए। पंजाब राज्य के भारी कर्ज का आंकड़ा वैसे तो 3 लाख करोड़ पार कर गया है। पंजाब की स्थिति ऐसी ही है कि आने वाली सरकार का मुख्य फोकस राज्य के कृषि और निजी क्षेत्रों का तत्काल पुनरुद्धार होना चाहिए, पर केजरीवाल को तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनने या फिर स्वतंत्र खालिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बनने में रुचि है। राज्य को निवेश का हब कैसे बनाया जाए, इसके बारे में एक स्पष्ट रोड मैप भी राजनीतिक नेताओं की अलमारी से गायब है। कोई नहीं जानता कि पंजाब को कैसे ठीक किया जाए। राज्य का संगीत उद्योग इससे अनंत काल तक नहीं चला सकता। पंजाब की मौजूदा स्थिति को देखकर अब यह प्रतीत होने लगा है कि कभी देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण रहा पंजाब अब अपनी पतन की ओर अग्रसर हो चला है।